तस्वीरें हैं ये करनाल की, जहां पे किसानों ने पहले से ही आह्वान कर दिया था कि हजारों की संख्या में जो ट्रैक्टर रैली है वो निकालने वाले हैं सरकार के खिलाफ। वही देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में जो लोग हैं, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर है, वो अलग अलग गाँव से पूरे किसान जिले के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हैं करनाल की, जहाँ तक आपकी नजर जाएगी वहीं तक ये ट्रैक्टर और गाड़ियां को जो काफिला है वो निकलता नजर आ रहा है। दूर दूर से लोग आए हैं, कहीं ना कहीं करनाल जिले के तमाम है, लोग हैं ये ट्रैक्टर जो किसान लेकर आए हैं वो काफ़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, छोटे छोटे बच्चे उनमें शामिल हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं, सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के जो नारे हैं वो लगाते भी नजर आ रहे हैं। पल पल के अपडेट देते रहेंगे, पूरे शहर में कहीं ना कहीं इनकी जो रैली है आज वो निकालने का ऐलान है। पूरे शहर में अपनी ट्रैक्टर रैली को कामयाब बनाने के लिए भारी संख्या में यहाँ किसान पहुँचे हैं। हम किसानों से भी बात करने की कोशिश करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं, जो इनका रूट है यहाँ से अभी थोड़ी दूर आगे जाकर निर्मल कुटिया से लेफ्ट साइड में जाकर ये कहीं ना कहीं गांधी चौक की तरफ होते हुए सलाखा बाजार रेलवे रोड तमाम शहर के राउंड लगाने वाले हैं। दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको किसानों के ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखेंगे और फोर व्हीलर में काफ़ी दूर दूर से आए लोग नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हैं करनाल की, पल पल के अपडेट लेते रहेंगे, खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। देख सकते हैं कि कितनी दूर दूर तक ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में ट्रैक्टर पहुंचे हैं अपनी रैली को कामयाब बनाने के लिए। करनाल जिले के तमाम लोग यहां, तमाम किसान यहां पर पहुंचे हैं। जो रैली है वो बड़े धड़ल्ले से कहीं ना कहीं काफ़ी संख्या में निकलते नज़र आ रहे हैं। पूरे शहर में कहीं ना कहीं चक्कर लगाने हैं, पूरे शहर में ट्रैफिक भी कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त रहने वाली है। आप सभी से अपील है कि कुछ देर तक अपने घरों के बाहर ना ही निकले तो ठीक है, क्योंकि जो ट्रैफिक है वो काफ़ी चरमरा सकती है। हजारों की संख्या में ट्रैक्टर पहुँचे हैं, सभी नज़दीक लगते गाँव के यहाँ किसान हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होकर रैली की जो रैली है उसको कामयाब बनाने के लिए निकलते नज़र आ रहे हैं। ट्रैक्टर पर हजारों ट्रैक्टर निकल चुके हैं, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नज़र आ रहे हैं, हरियाणा सरकार को भी कोसते नज़र आ रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो 3 अध्यादेश है उनको कहीं ना कहीं हटा दिया जाए, उनको कैंसिल कर दिया जाए, अन्यथा किसानों का जो आंदोलन है विकराल रूप धारण जरूर करने वाला है। कहीं ना कहीं किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं, जहां सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। सरकार का कहना है कि वो इन काले कानूनों को रद्द नहीं करेगी, सिर्फ और सिर्फ उनमें सिर्फ संशोधन कर सकती है, लेकिन जो सरकार के खिलाफ किसानों का आंदोलन है वो बढ़ता नज़र आ रहा है। 26 जनवरी को किसानों ने आह्वान किया हुआ है कि लाखों की संख्या में जो ट्रैक्टर है दिल्ली में वो कूच करेंगे। उसका एक छोटा सा उदाहरण देने के लिए तमाम करनाल जिले के जो किसान हैं वो यहाँ इकट्ठे होकर आज करनाल शहर में पूरा आंदोलन परिसर करते नज़र आ रहे हैं। ट्रैफिक की व्यवस्था की बात की जाए, ट्रैफिक व्यवस्था चरमराने वाली है, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग आए हुए हैं करनाल जो किसानों का समर्थन देने के लिए शहर में एक राउंड लगाते नज़र आ रहे हैं। दूर दूर तक जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, फिर भी कहीं ना कहीं जो ट्रैक्टरों की रैली है, ट्रैक्टरों का ये काफिला है किसानों का, वो रुकने का थमने का नाम नहीं ले रहा। बड़े बुजुर्ग इसमें शामिल है, छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं और कुछ महिलाएँ भी इनमें शामिल है। इस आंदोलन में देख सकते हैं किस तरह से दूर दूर तक लोग ट्रैक्टरों का काफिला नज़र आ रहा है। हम आपको आगे की तस्वीरें भी दिखाते रहेंगे, मतलब तस्वीरों में बने रहेंगे। किसानों का जो काफिला है वो करनाल शहर के अंदर एंटर हो चुका है, काफ़ी संख्या में किसान है, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर है, वो कहीं ना कहीं जो गति पकड़ता नज़र आ रहा है इनका आंदोलन। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किसान काफ़ी संख्या में यहां पर पहुंच चुके हैं, हजारों की संख्या में ट्रैक्टर नज़दीक लगते करनाल जिले के तमाम जिले के जो ट्रैक्टर है वो यहाँ पर किसानों द्वारा निकल चुके हैं और वहाँ के किसानों के कहीं ना कहीं किसान जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आ रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। पल पल के अपडेट देते रहेंगे, खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। किस तरह से जो किसानों का काफिला है, किसानों का जो आंदोलन है वो बढ़ता नजर आ रहा है।
किसान हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। किसानों का जो काफ़िला है काफ़ी संख्या में वो बढ़ता नज़र आ रहा है। जो कहीं ना कहीं चरम व्यवस्था है ट्रैफिक को लेकर वो कहीं ना कहीं चरमनाने वाली जरूर है, क्योंकि पूरे शहर को ट्रैक्टरों द्वारा कवर कर लिया गया है। पूरे शहर में ट्रैक्टरों का जो काफिला है काफ़ी संख्या में पहुँच चुका है काफिला, और तस्वीरों में देख सकते हैं कि तरह से किसान जिंदाबाद के नारे लगाते नज़र आ रहे हैं और मोदी सरकार के खिलाफ किस तरह से रोष प्रदर्शन करते नज़र आ रहे हैं। मोदी सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो जोश है किसानों का वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जो उनके हकों का इतनी नज़र देश है, जो उनके हक उनका कहना है कि जो हक है जो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने उनको रद्द नहीं किया तो वो कहीं ना कहीं विकराल रूप धारण करेगा। और 26 जनवरी दिल्ली के लिए कूच का एक बहुत बड़ा आंदोलन बनने वाला है। जिंदाबाद कहाँ से कहाँ निकलेगा आपका काफिला? ये करनाल में सारे करनाल से घुमाएंगे सारे कुमार में जोश प्रकट। इस तरह से जो बुजुर्ग है उनका भी जोश की बात की जाए, उनका भी जोश अभी कम नहीं हुआ। काफ़ी संख्या में किसान यहाँ पर पहुँचे हैं। किसान जिंदाबाद के नारे पूरे करनाल शहर में गूंज चुके हैं। मोदी सरकार मुर्दाबाद के जो नारे हैं वो भी गूंजते नजर आ रहे हैं। पल पल के अपडेट देते रहेंगे, खबर को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जो तीन अध्यादेश है उसके खिलाफ एक छोटा सा जो रूप है उसका उदाहरण देते हुए नज़र आ रहे हैं। और छोटा सा उसका कहना है कि अभी तो सरकार द्वारा किसानों द्वारा एक हिंट है, अगर मोदी सरकार नहीं मानती तो ये विकराल रूप धारण कर लेते, 26 जनवरी को कहीं ना कहीं पहुंचने वाला है। 80 साल के बुजुर्ग आए असी खट्टर ने सानू तंग कर दिता है, प्रशासन ने भी सानू भी तंग कर दिता है। काले कानून वापस तीन कर देंगे ते खट्टर किसानों पर लाठी चार्ज कर रहा है, चुप करके टुर जाएंगे। करो करी छोटा सा उदाहरण है, 26 जनवरी दिल्ली जाए, 26 जनवरी दिल्ली कराओ करांगे। अज असी मनोला खट्टर ते पीएम मोदी नरेंद्र मोदी दी अक्खां खोलण वास्ते पूरे करनाल जिले के कोने कोने चो पिंड चो जिते भी कोई किसान रहिंदा है वो अपना ट्रैक्टर लैके नई अनाज मंडी करनाल पहुँचा है। ये असी रोज प्रदर्शन करन दे आ कि गौरमेंट जिहड़ी है सुती पई है, हंकारी है, उहदा हंकार तोड़न वास्ते असी उन्हां नूं जगाना चाहुंदे आ, उन्हां नूं विखाउणा चाहुंदे आ कि जिहड़ा काले तीन काले कानून साढ़े उत्ते किसानों से थोपना चाहता नरेंद्र मोदी सेंटर की गौरमेंट गंदी निकम्मी वो वापस ले लै, तो किसान अपनी किसानी करे किरत करे उन्हूं उहदे हालत छड़ दे। सानू इहदे तो कुछ नहीं चाहिए, ये 2-2 हज़ार रुपया दे के सानू खरीदना चाहता है, असी 2 की बजाय 5 इहनू दे देंगे सारे किसान 5-5 हज़ार, लेकिन सानू फैसला हो जाए। फैसले वास्ते तो अभी दिल्ली गए ने साडे लीडर, फैसला करने वास्ते 7 मीटिंग हो गई ने, उत्थे पंचायत करे इत्थे कैमले पंचायत कदी करन दे ने जिहड़े दिल्ली उत्थे साडे किसान लीडर ने वो हमेशा केंद्र की सरकार ने गलबात कर रहे हैं। वो वड्डी कमेटी है कि मनोला खट्टर की जी पंचायत होनी वड्डी रैली अज करनाल का प्रोग्राम है, तो नई अनाज मंडी तो थले लिंक रोड से जाके निर्मल कुटिया चौंक तो लैफ्ट हो जाएंगे तोड़ फिर बापू गांधी चौंक चो उतो फिर बस स्टैंड वाल फिर चौड़ा बाजार तो रेलवे रोड हांसी रोड ये प्रोग्राम रहेगा साढ़ा।